चुनावी साल में सरकार अनेक घोषणाएं कर रही है। इसी के चलते नर्मदा जयंती व नर्मदापुरम गौरव दिवस के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा का जलाभिषेक और महाआरती के बाद जनता को संबोधित करते हुए बहनों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी योजना की तरह ही लाडली बहना योजना की घोषणा की, जिसमें उन्होंने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया है। सीएम शिवराज चुनावी रंग में नजर आ रहे हैं। नर्मदा जयंती व गौरव दिवस में सीएम ने मां नर्मदा का जल मंच से जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद मां नर्मदा की महाआरती हुई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और सांसद उदय प्रताप सिंह ने भी शिरकत की। इसी के साथ महाआरती के बाद सीएम करोड़ों रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का जल मंच से वर्चुअली भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया, जिसमें प्रमुख रूप से 11 करोड़ 26 लाख की लागत से निर्मित नवीन आयुक्त नर्मदापुरम के भवन का लोकार्पण, 1 करोड़ 9 लाख की लागत से रामलीला मैदान के उन्नयन, 2 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं विभिन्न विकास कार्य तथा 5 करोड़ 53 लाख की लागत से बनने वाले नगर के ऑडिटोरियम का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही सीएम ने महिलाओं को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह ही लाडली बहना योजना प्रदेश में चलेगी, जिसमें जो बहन इनकम टैक्स नहीं देती है वो किसी भी जाति की हो, उसे हर माह 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी और अन्य योजना का लाभ जो मिल रहा है वह भी मिलता रहेगा। ये बहनें भी इसकी बेटी है, तो मैं और ये बहनें तो भाई बहन हुए ना, हुए कि नहीं हुए? अरे बहनों से पूछ रहा हूं, हुए कि नहीं हुए? तो आज नर्मदा जयंती के दिन इस पवित्र तट पर, अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी। और हमारी जो गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, कोई भी जाति की हो, पंथ की हो, बहने तो बहने है, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, बहनों में कैसा भेद रे शिवराज। और इसलिए ऐसी बहनों को अब 1,000 रुपया महीना हर महीना दिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।